कोंकण रेलवे भारतीय रेल के लिए अनूठी मिसाल मानी जाती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र होने के कारण रेल निर्माण कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाढ़, भूस्खलन और सुरंगों के गिर जाने के कारण निर्माण कार्य कई बार प्रभावित हुआ था, लेकिन श्री ई श्रीधरन जी के कुशल नेतृत्व और काबिल सिविल इंजीनियरों ने 20वीं सदी के सबसे बड़े रेलवे उपक्रम परियोजना को समय पर पूरा किया। ये परियोजना श्री मधु दंडवते, अर्जुन बलवंत वालावरकर, जॉर्ज फर्नांडिस और बैरिस्टर नाथ पै की दूरदर्शिता और एक अच्छी सोच का परिणाम है। सन 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोंकण रेलवे को राष्ट्र को समर्पित किया। कोंकण रेलवे भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहर मुंबई और मंगलोर को जोड़ने वाली एक कड़ी है। 760 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से गोवा होते हुए कर्नाटक के ठोकुर स्टेशन तक जाती है। कोंकण रेलवे ने मुंबई से मंगलोर तक की लगभग 1127 किलोमीटर की दूरी कम की तथा 26 घंटों की यात्रा का समय बचाया। ये परियोजना भारत के सबसे मुश्किल दुर्गम तटीय इलाकों, 2000 से अधिक पुलों, 91 सुरंगों और तंग घाटियों से गुजरती है। रत्नागिरी में स्थित श्रम शक्ति स्मारक निर्माण कार्य के दौरान हुए हादसों में लोगों के बलिदान की याद दिलाता है। कोंकण रेलवे के मुख्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष अत्याधुनिक तकनीक से रेलों के यातायात को कंप्यूटरीकृत माध्यम से नियंत्रित करता है तथा ट्रेनों की स्थिति एवं परिचालन को सुचारू रूप से संचालित करता है। भारत अपने विविध व्यंजनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इन्हीं व्यंजनों को कोंकण रेलवे ने अपनी खान पान की सेवा में विशेष रूप से सम्मिलित किया है। कोंकण कन्या तथा मांडवी एक्सप्रेस में डाइट और डायबिटिक भोजन सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। रेलवे झाल्यामुळे वेळेवर घरी पोहोचण्याचा आनंद खूप मिळतो आणि व्यवस्थित खाणं पिणं रेल्वेत मिळतं, स्वच्छ असतं आणि सगळ्या दृष्टीने सेफ। कोकण रेल्वेचा प्रवास अगदी आरामदायक आहे आणि कोकण रेल्वे सुरू झाल्यावर आम्ही एसटी म्हणून जात नाही, एसटीने त्रास होतो बसायला आणि 14-15 तास लागतात, त्यामुळे जास्त करून कोकणातले लोक सगळे कोकण रेल्वेनेच येतात। Hello, my name is Tawny. I'm from New Zealand.
I've chosen to take the railway because it's far more comfortable as far as trains go. The train itself is very nice to ride in. It gives you a chance to see the scenery that you experience in India while taking a plane. You'll miss a lot of that opportunity to see beautiful scenery along the way. Also, the food on here is very delicious. You get delivered hot meals throughout your whole stay and very affordable at around 35 to 60 rupees per meal. So far, the experience has been amazing. कोंकण रेलवे ने ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट भी विकसित किया है, जो बिना किसी शारीरिक श्रम के बहुत ही कम समय में ट्रेनों की साफ सफाई का ध्यान रखता है। मडगांव रेलवे स्टेशन कोंकण रेलवे के लिए सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसका डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने यहाँ के जलवायु को ध्यान में रखते हुए किया था। कोंकण रेल से प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ से अधिक यात्रियों का प्रवास होता है और रोजाना तकरीबन 60 ट्रेनों का आवागमन होता है। कोंकण रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई नई सेवाएं शुरू की। श्रवण सेवा में निगम ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त सेवक की व्यवस्था की है। सारथी सेवा में विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त व्हीलचेयर और कुली की व्यवस्था की है। गोवा सैलानियों की सेवा में तत्पर एक उत्कृष्ट स्टेशन करमाली, जिसे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटक रेलवे स्टेशन से सम्मानित किया। करबुड़े टनल 6.5 किलोमीटर की सबसे लंबी सुरंग इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती। सुरंग के अंदर प्राकृतिक जहरीली गैसों को बाहर निकालना था। इसके लिए विशाल वेंटिलेशन सेंट्रीफ्यूगल जेट सिस्टम लगाया गया, जो जहरीली गैसों को बाहर निकालकर स्वच्छ हवा प्रदान करता है। कोंकण रेलवे ने इतना बड़ा टनल बना है, ये इंडिया में बहुत बड़ा टनल है, वेंटिलेटेड टनल है। ऐसा हमारा इसमें 7 नंबर ऑफ वेंटिलेटेड टनल है, उसमें 6 नंबर है जेट फैन वेंटिलेशन सिस्टम और 1 नंबर सेंट्रिफ्यूगल फैन सिस्टम। जेट फैन सिस्टम में हम लोग क्राउंस पे फैन फिक्स करके उसको चलाते हैं, हवा निकलते हैं। इसमें तो सेंट्रिफ्यूगल सिस्टम है। ये बहुत प्राउड का विषय है हम कोंकण रेलवे के लिए। कहाँ जाना है? सूरतकल। 15,265। अच्छा, 2 घंटा में रोरो निकलने वाला है।
देखिए हम लोग रोड में जाने से और रोरो में जाने से फ़ायदा बोलेगा। रोड में हम लोग को 24 घंटा गाड़ी चलाना पड़ता है, बाद में रोड में कई बार हम लोग को जो बाइक लेके गुंडे लोग हम लोग पीछे करके हमारे पास जो पैसा है वो लूट लेता है। दूसरी हम लोग को ट्रेन में जाने से बोलेगा एक्सीडेंट का डर नहीं रहता हम लोग को, रोरो का फैसिलिटी बहुत अच्छा है। दूसरी बोलेगा तो हम लोग को मेंटेनेंस बहुत कम आता है, उसमें हम लोग रोरो बहुत बेनिफिट है हम लोग को। मालवाहक गाड़ियों से होने वाले मुनाफे को बढ़ाने के लिए कोंकण रेलवे ने रोल ऑन रोल ऑफ रोरो सिस्टम लाया, जिसका उपयोग लोडेड ट्रकों को कोलाड, वेरणा, सूरतकल तक ले जाने के लिए किया जाता है। इससे मुनाफा हुआ एवं आर्थिक दृष्टि से समय और पैसा दोनों की बचत हुई और प्रति वर्ष लगभग 50 लाख लीटर डीजल की खपत देश में कम हुई। ये सेवा भारत में पहली है और अभी काफी लोकप्रिय हो रही है। कोंकण रेलवे जानी जाती रही है कि 1 करोड़ रोज का लॉस हो रहा है। इस लॉस को पूरा करने के लिए नंबर ऑफ ट्रेन्स को हमने बढ़ाया और इस कदर बढ़ाया कि हम अपना जो फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है उससे ज़्यादा हम आमदनी कर सके। कोंकण रेलवे पे गुड्स ट्रैफिक, माल गाड़ियाँ कम रहीं, इसलिए हमने पैसेंजर ट्रेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया और हम इस स्थिति में आ गए कि हमारी आमदनी हमारी कॉस्ट से ज़्यादा हो गई और यही कारण था कि हम इस स्थिति में पहुँचे कि हम कोंकण रेलवे को टर्न अराउंड ट्रॉफी दिला सके और अब हम इस तरह से आमदनी कमा रहे हैं, कर रहे हैं कि हम अपना ऋण भी चुका पा रहे हैं, अपना इंटरेस्ट भी पे पा रहे हैं और फर्दर डेवलपमेंट की तरफ भी हम अब चल पड़े हैं। We have about an acre of land. 100% of the land has been acquired by Konkan Railway and in place. I got a job in Konkan Railway. Right now I'm working as a station master and this sustains me and my family. I'm sure that this will help me and my further generations. We have a secure job. My name is Sabir Pinsa. और मैं लैंड यूजर अफेक्टेड हूँ कोंकण रेलवे का। मेरा नेटिव प्लेस चिपलून है, तो कोंकण रेलवे ने जब हमारा लैंड ले लिया तो हम लोग ग्रेजुएट सब लोग थे, हमको थोड़ा सा पहले डर लगा था कि हमारा लैंड गया, अभी हमको नौकरी मिलेगा कि नहीं, लेकिन उस टाइम कोंकण रेलवे में हमको बहुत अच्छा जॉब ऑफर किया और मैं आज पिछले 15 साल से कोंकण रेलवे में एज एक मेल एक्सप्रेस गार्ड में काम कर रहा हूँ।
Goa is one of the most prominent tourism destinations not only in India but all over the world. Tourists in lakhs visit this beautiful state which has been blessed by nature from all corners of the globe. Konkan Railway has proved to be a huge boon and a blessing in disguise for Goa tourism, because not only has it improved connectivity, but it has put Goa within the reach of the middle class traveller, thereby making it cost effective and economical for him to travel to Goa from anywhere in India. A lot of foreign tourists, when they arrive in Mumbai and other important airports of the country, they prefer to come to Goa by Konkan Railway. So I think Konkan Railway is doing a great job. It is helping the economy of Goa by boosting tourism. यहाँ रत्नागिरी में वो गणपति का जो फेस्टिवल रहता है वो देखने के लिए सभी जगह से लोग रत्नागिरी में आते थे। पहले वो बस से या शिप से वो आते थे। कोंकण रेलवे शुरू होने के बाद वो सभी लोग हैं वो आसानी से वो बहुत भीड़ करके यहाँ इधर आते हैं। यहाँ की जो मूर्ति है वो पहले बस से वो बाहर जाती थी, अभी कोंकण रेलवे का जो प्रवास है वहाँ से सुविधाजनक रीति से वो बाहर जा सकती है। यहाँ का जो माहौल है वो गणपति के प्रति जो श्रद्धा रहती है वो जैसे अपने घर कोई मेहमान आने वाला है उनके स्वागत के लिए सभी लोग इतने उत्साह भर रहते हैं। पूर्व सफलता को देखते हुए जम्मू कश्मीर के कटरा धर्म के बीच की अत्यंत कठिन रेलवे लाइन परियोजना का दायित्व कोंकण रेलवे को दिया गया है। लगभग 14 टनल, 21 ब्रिज और 8% रॉक कटिंग के साथ साथ चिनाब नदी पर बनने वाला ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। ये कोंकण रेलवे के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। कोंकण रेलवे एक नए प्रगति की ओर चल रही है और अभी हम करीब सिंगल लाइन पे 60 से ज़्यादा ट्रेन चला रहे हैं। अब आगे हमें क्या करना है, अब डबलिंग होना चाहिए, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। इसके लिए बहुत प्रस्ताव जा चुका है नीति आयोग में, बहुत जल्दी इसका अप्रूवल हो जाएगा और हम बहुत जल्दी ही डबलिंग का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी शुरू कर देंगे। एक और महत्वपूर्ण विकास जो कोंकण रेलवे का होना है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स के ऊपर है तो जो पोर्ट्स हैं, प्राइवेट पोर्ट्स की पॉलिसी है कि पोर्ट्स को डेवलपमेंट करना है, तो ये पोर्ट्स कोंकण रेलवे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो पोर्ट्स जब कोंकण रेलवे से कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे फ्रेट ऑपरेशंस भी बहुत बढ़ेगा। महाराष्ट्र में करीब 5 नए पोर्ट्स जल्दी ही आने वाले हैं, कर्नाटका में 2 नए पोर्ट आ रहे हैं। इन सब का कोंकण रेलवे के साथ जॉइनिंग होगा और फिर हिंटरलैंड के साथ भी कनेक्शन होगा। कोल्हापुर कोंकण रेल के साथ जुड़ जाएगा और पोर्ट्स कोल्हापुर के साथ जुड़ जाएगा। जो हिंटरलैंड है कर्नाटका का, महाराष्ट्र का, उसका जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रैफिक है वो बहुत अच्छा इस पर चलेगा, गुड्स ट्रैफिक रहेगा और कोंकण रेलवे का रीजन तरक्की करेगा।
अपनी रजत जयंती मनाने को तैयार। कोंकण रेलवे सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, बल्कि ये अभियांत्रिकी तकनीकों का एक अद्भुत नमूना है जो लोगों के दिल के बहुत करीब है। तकनीकी विजय के साथ साथ यह विश्वास की एक लंबी छलांग भी है, जिसने इस क्षेत्र के लोगों के लंबे समय से संजोए एक सपने को साकार किया। लाल बत्ती हिरवी झाली आली कोकण गाडी, आली कोकण गाडी दादा आली कोकण गाडी, ठाणे मुंब्रा कल्याणाची ओलांडून खाडी, आली कोकण गाडी दादा आली कोकण गाडी, आपट्यापासून गाठी रोहे तयार ठेवा नारळ पोहे, स्वागताला कोकणवासी सजले खेळू पाडी, आली कोकण गाडी दादा आली कोकण गाडी, कशासाठी पोटासाठी कोकण पट्टी घाटासाठी, आगीन गाडी नागिन जशी जाते नाग मोडी, आली कोकण गाडी दादा आली कोकण गाडी, येथे डोंगर तेथे सागर नारळ पोफळ हिरवे आगर, कणखर काळ्या देहाची ही थडथडणारी नाडी, आली कोकण गाडी दादा आली कोकण गाडी, कोकणवासी जनतेला ही भवितव्याची देते ग्वाही, सुखी होऊ दे गावित कोळी कष्टाळू कुळवाडी, हो हो आली कोकण गाडी, शिंग तुतारी झडला ताशा फळास आल्या फुल्या आशा, कोकणच्या कैवारी नाथा आशीर्वादा धाडी, आली कोकण गाडी दादा आली कोकण गाडी, हो आली कोकण गाडी।